वैसे तो दिल्ली शहर प्राचीन काल से लेकर आज तक कई घटनाओं और ऐतिहासिक चीजों का साक्षी बना है। इस शहर ने अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए हुए हैं, जो शायद ही कभी कोई जान पाएगा। आज हम आपको दिल्ली से जुड़े ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के किले के बारे में, जो एक वक्त फिरोज शाह तुगलक की आंखों का तारा हुआ करता था। ये किला भले ही खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन अपने भीतर हजारों रहस्यों को समेटे हुआ है। यहाँ हर कोई जाने से डरता है, क्योंकि यहाँ सारे तर्क खत्म हो जाते हैं और फिर शुरू होती है ऐसी आस्था, जिसमें लोग मानने लगे हैं कि दिल्ली के इस किले में जिन रहता है। कहते हैं कि इस टूटी फूटी इमारत के पीछे एक जमाने में बेहद क्रूर सजा दी जाती थी उन लोगों को, जो लोग राजा से बगावत करते थे। और आज भी लोग मानते हैं कि वो लोग मरने के बाद भी आज जिन के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं। रात को जो कोई इस किले में जाता है, अगली सुबह उसकी लाश ही यहाँ मिलती है। रहस्यमय तरीके से यहाँ मिलने वाली लाश इतनी बुरी तरीके से पाई जाती है कि मानो उसे रात में बेहद ही निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया हो। इस किले के अंदर एक बावड़ी मौजूद है, उसमें आज भी पानी भरा रहता है, लेकिन सरकार ने इस बावड़ी को बंद कर दिया है। लोगों का मानना है कि इस बावड़ी का पानी पीने वाला कोई जिंदा नहीं बच पाया है। इस बावड़ी का रहस्य सुलझाने के लिए इसके पानी को जब शोध करने के लिए भेजा गया, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे कि इंसान की मौत हो जाए। फिर ऐसा क्या था इस बावड़ी में जो इसका पानी पीने से आदमी की मौत हो जाती थी? किंवदंतियों के अनुसार इस खंडहर में हर रात एक ऐसी शक्ति आती है जिसे देखने वाला या तो अंधा हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।